इस वेले की अहम खबर गायक परमीश वर्मा गोलीकांड के जुड़ी हुई आ रही, जिस दे विच एक मुलजम नू बरी कर दिता गया। गैंगस्टर दिलपत बाबा नू पनाह देने दे इल्जाम इस मुलजम के उपर लगाए गए सन, जिसनों की कोर्ट के वलों बरी कर दिता गया। दस दिए कि परमीश वर्मा के उपर कातलाना हमला होया सी। गैंगस्टर दिलपत बाबा का इस दे विच नाम आया, जिसके वलों जिम्मेवारी ली गई, फरौती ना देने दे चलते हमले की गल कही गई सी। इसे मामले के विच एक मुलजम नू बरी कर दिता गया, जिसके उपर इल्जाम सन कि गैंगस्टर दिलपत बाबा नू उसके वलों पनाह दिती गई सी। अरुण नाम का यह नौजवान है, जिसके उपर यह इल्जाम लगे सन, ते हुण कोर्ट के वलों उसनों बरी कर दिता गया। दस दी कि गायक परमीश वर्मा ते कातलाना हमले दे केस दे विच यह जो है कार्रवाई की गई है। मानयोग अदालत दे वलों अरुण कुमार नाम के इस मुलजम नू बरी कर दिता गया है। दस दी कि इस केस दे विच अरुण कुमार दे उपर इल्जाम सन कि उसने गैंगस्टर दिलपत बाबा नू पनाह दिती है, जिसके तहत उसनों अरेस्ट किया गया सीगा। पुछगिछ दे विच अरुण कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद मोहाली पुलिस के वलों अरुण नू अरेस्ट कर लिया गया सी। हुण अदालत दे वलों उसनू बरी कर दिता गया। इस मामले दे विच सितंबर 2018 च मोहाली पुलिस के वलों जो है चलान भी पेश कर दिता गया सीगा, जिसके बाद हुण यह फैसला अदालत ने सुनाया ते अरुण कुमार नू इथों बरी कर दिता गया। गैंगस्टर परमीश वर्मा दे उपर यह कातलाना हमला होया सीगा, जिसकी जिम्मेवारी दिलपत बाबा दे वल्लों लई गई सी। उसका नाम इस दे विच सामने आया सी, कहा गया सी कि फरौती की मांग की गई, फरौती ना देण दे चलदे यह हमला किया गया। तो इसे मामले दे विच अरुण कुमार नाम के एक शख्स नू मोहाली पुलिस के वलों अरैसट किया गया सीगा, लेकिन कोई ठोस सबूत उसके खिलाफ नहीं जो है सामने आ सके, जिसके चलते उसनू बरी कर दिता गया। इल्जाम सन कि उसने गैंगस्टर दिलपत बाबा नू पनाह दिती है, जिसने हमला किया सीगा उसनू पनाह देने दे इल्जाम उसके उपर लगे सीगे, लेकिन अदालत दे विच कोई ठोस सबूत अरुण कुमार के खिलाफ जो पुलिस है वह पेश नहीं कर सकी, जिसके चलते अदालत दे वल्लों अरुण कुमार नू डिस्चार्ज किया गया है। तो उसनू इस केस के विच बरी कर दिता गया है। कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उसनू डिस्चार्ज किया गया है। मोहाली अदालत दे वल्लों यह फैसला सुनाया गया है। परमीश वर्मा के उपर जो हमला होया सी, पूरी जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके विच हाहाकार मच गई सी कि किवें इस तरीके दे नाल कोई हमला कर सकता है, किवें फरौती ना देने दे चलते यह हमला किया गया। सुरक्षा प्रबंधा के उपर भी सवाल खड़े हो गए सन। तो इस मामले दे विच हुण इस मुलजम नू बरी किया गया, जिसके उपर इल्जाम सन कि उसने गैंगस्टर दिलपत बाबा नू पनाह दिती है, लेकिन सबूतों की घाट के चलते ठोस सबूत ना होने के चलते इस मुलजम नू अदालत दे वल्लों बरी कर दिता गया। जे अगे वधना है तां सिखना जरूरी है, और सिखण लई किसे चंगी चीज़ तो लैणा पैंदा है सबक। दैनिक सवेरा तुहाडे लई लैके आ रहा है पंजाबी मीडिया का सब तो वखरा प्रोग्राम सबक।